अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में हेडर फुटर तक आ गए थे, यानी आज हमें हेडर एंड फुटर पढ़ना था एंड देन आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हेडर का मकसद ये होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना टाइटल दे दें। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर टाइटल होता है। कोई बुक देखी होगी, बुक में हर डॉक्यूमेंट पे स्टार्ट में कोई ना कोई ऐसा टाइटल होता है जो इस बात को शो कर रहा होता है कि इस कॉन्टेंट का मकसद क्या है, वो मकसद बताना है। तो हेडर देने के लिए हमारा तरीका ये होता है कि हम टॉप पे आकर डबल क्लिक कर दें। देखिए, डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हेडर का ऑप्शन मौजूद हो जाता है, यानी अब इस हेडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या होता है कि हमने क्या किया, हमने एक नाम दे दिया MBH। देखिए, ये मैंने एक नाम दे दिया। देखिए, अभी जो मेरे पास नाम है ये मेरे पास ऑटोमेटिकली हेडर आ गया, यानी ये थोड़ा सा लाइट होता है, बट एक्चुअली जब प्रिंट हो रहा होता है मामला तो तब ये लाइट नहीं होता। तो हम इसको चाहे तो फॉन्ट कर सकते हैं, इसको सेंटर में ला सकते हैं, यानी ये मेरे पास एक हेडर आ गया। अब मैं जितने भी पेजेस पे काम करूंगा उन तमाम पेजेस के ऊपर, चाहे पेज वन हो, पेज टू हो या पेज थ्री हो, उन तमाम पेजेस के ऊपर मेरा ये सेम हेडर आएगा। यानी मैंने एक मरतबा हेडर दे दिया, अब मैं काम करना शुरू करूंगा तो मेरे तमाम पेजेस के ऊपर यही हेडर आता रहेगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि हेडर जो है वो एक ऐसा टाइटल है जो हर पेज पर रहता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो हेडर है ये हेडर मेरा चेंज हो जाए, यानी कि इस हेडर के बजाय पेज नंबर वन पे जो मेरा हेडर आ रहा है, इस हेडर को मैं पेज नंबर टू पे नहीं चाहता, मैं पेज नंबर टू पे एक अलग हेडर चाहता हूँ। देखिए, पेज नंबर वन का जो हेडर है ये बेसिकली पेज नंबर टू के हेडर से लिंक्ड है, यानी कि पेज नंबर टू का हेडर पेज नंबर प्रीवियस पेज से लिंक है, यानी जो प्रीवियस पेज पे हेडर है उस पेज का हेडर पेज नंबर टू पे आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। देखिए, हेडर का सिंपल मकसद यही होता है, मैंने एक पैराग्राफ लिया, सॉरी पेज नंबर वन पे मैं आता हूँ, मैंने पेज वन पे एक पैराग्राफ लिया। सो हेडर का मकसद फ़क्त इतना होता है कि एक ऊपर अपर टाइटल होता है, टाइटल के नीचे हमारा काम चल रहा होता है। मैं चाहूँ तो पेज नंबर टू के ऊपर भी यही सेम पैराग्राफ लेके इसको मैं पैराग्राफ देखें हेडर का मकसद। अब मैं चाहूँ तो पेज नंबर थ्री पे जाऊँ, मैं कंट्रोल इंटर करके पेज नंबर एक और ले लूँ तो देखिए वहाँ पे भी ये सेम हेडर होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये हेडर जो सेम आ रहा है ये हेडर जो है वो चेंज आए। उस चेंज हेडर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए चेंज हेडर का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम पेज लेआउट पे आए। गौर से सुनिएगा मेरी बात को, पेज लेआउट पे आके ब्रेक पे क्लिक किया, ब्रेक पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे गए। देखिए, ऊपर वाले पेज से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारा मामला आ गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा हेडर को चेंज करने के लिए, तो देखिए खुद ही उसने बता दिया ऊपर वाला सेक्शन वन था, नीचे वाला सेक्शन टू था। ये फुटर का भी इसने ऑप्शन पेश कर दिया, बाय द वे फुटर को हम बाद में पढ़ लेंगे। अब मैं चाहूँ तो देख मैं इस हेडर का नाम चेंज कर सकता हूँ। देखिए, पहले इसने लिख के दिया हुआ है लिंक टू प्रीवियस, यानी कि हमारा ये जो नाम है ये पिछली स्लाइड से अटैच है। मैं इसको क्लिक करके इसको ख़त्म कर देता हूँ। इसको ख़त्म करके अब मैंने लिख दिया LEARNING लर्निंग EMPIRE लर्निंग अम्पायर। अब देखें, मैंने इसको लिख दिया, यानी कि मैंने इस पेज का जो हेडर था उसको पिछले पेज से जो लिंक था उस लिंक को मैंने ख़त्म कर दिया। देखें, अब MBH यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, लर्निंग अम्पायर अगले पेज पे लिखा हुआ है, एंड देन लर्निंग अम्पायर अब उसके बाद भी नेक्स्ट पेजेस पे इसी तरह आता रहेगा। तो देखिए, मकसद क्या हुआ कि हमारा एक हेडर जो है वो पिछले पेजेस के हेडर से अटैच्ड जो है वो होता है। तो ये बात तो खैर हम लोगों ने समझ ली कि हेडर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखना क्या है कि भाई फुटर का देखिए एक चीज़ हम बताना भूल गए कि हेडर हमारे पास जो इंसर्ट टैब में होता है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के हेडर के फॉर्मेट्स आते हैं। हम उन हेडर्स को ऑटोमेटिकली भी चाहे तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स आते हैं, इन स्टाइल्स को मैंने जो है वो यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो ये अप्लाई फ़ौरन हो सकते हैं। एंड देन कंट्रोल इंटर करूँ तो देखिए कंट्रोल इंटर करके नेक्स्ट पेज पे भी वो सेम मेरा पास आ गया। मैं चाहूँ तो हेडर पे फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो खैर हेडर का मामला हो गया। एंड देन अब हमारे पास आता है फुटर। फुटर का क्या मकसद होता है, फुटर भी सेम एक होता है हेडर एक होता है फुटर। हेडर जो है टाइटल एंड अपर ऑफ द पेज होता है, फुटर जो होता है वो बॉटम ऑफ द पेज होता है। हेडर अपर ऑफ द पेज है एंड देन फुटर जो है वो
बॉटम ऑफ द पेज है, हम चाहे तो फुटर को इस तरह ले सकते हैं। इस तरह देखिए हेडर अपर ऑफ द पेज था वो यहाँ पे आ गया, मैं चाहूँ तो फुटर का यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे चेंज कर दूँ, इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर दूँ, चाहूँ तो मैं इसको भी इसको भी डिलीट करके मैं जो हूँ अपने मर्जी का फुटर में जो है वो टैग्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दूँ। एंड देन देखें MBH देखें मैंने लिख दिया। अब देखें जिस तरह फुटर पे मेरे हेडर पे जिस तरह सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही थी, सेम चीज़ें अप्लाई हो रही थी, इसी तरह मेरे फुटर के ऊपर भी अप्लाई हो गई। यानी हेडर का मकसद होता है अपर ऑफ द पेज एंड देन फुटर का मकसद होता है लोअर ऑफ द पेज। तो जनाब अब एक न्यू फाइल में खोलता हूँ और इसमें आपको मैं पेज नंबर किस तरह दिए जाते हैं किसी भी वर्ड की फाइल पे वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए हेडर का मकसद तो था हमारा ख़त्म हो गया, हेडर अपर ऑफ द टाइटल ऑफ द पेज फुटर एंड लोअर ऑफ द पेज, और हेडर एंड देन फुटर जो हेडर को मल्टीपल हेडर को चेंज करने का तरीका है वही फुटर को भी चेंज करने का तरीका है। अब आते हैं पेज नंबर के ऊपर। पेज नंबर का मकसद होता है टॉप, देखिए पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ ना, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजिशन, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है वो पेजेस नंबर्स आ जाते हैं जिनसे ये बात पता चलती है कि आप अपना पेज जो है पेज नंबर अपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे किस तरह दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे वन पे क्लिक कर दिया, देखें अब मैंने वन पे क्लिक कर दिया तो मेरा पेज नंबर वन ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं जो हूँ अपना काम इसके ऊपर कर सकता हूँ, कंट्रोल इंटर करूँ, देखें पेज नंबर टू जो है ना मेरा इंसर्ट नहीं हुआ। अच्छा ये पेज नंबर टू मेरा इंसर्ट क्यों नहीं हुआ? देखिए काम मामला ये होता है कि जब हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं ना, कोई भी वर्क करने के बाद उसके बाद उसके अंदर पेज नंबर इंसर्ट हम करते हैं। देखिए अब जब मैंने कुछ पेजेस जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, देखिए पेज नंबर जो हमारा वन इंसर्ट हुआ नंबर टू इंसर्ट नहीं हुआ, इसका मकसद ये था कि हमने पेज नंबर टू को हमने लिंक्ड नहीं किया था। यानी हम दोबारा पेज नंबर जाएंगे और पेज नंबर के टॉप पेज के ऊपर जाकर के हमने पेज नंबर टॉप पेज पे क्लिक करके ये पेज नंबर वन ले लिया। अब देखें ये जो है एक तरह से हेडर के अंदर ये पेज नंबर हमारा वन इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको वन को इंसर्ट कर दिया, देखें अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो पेज नंबर टू आ जाएगा, नेक्स्ट पेज उसके अगले पेज पे आऊंगा पेज नंबर थ्री आ जाएगा, अगले पेज पे आऊंगा पेज नंबर फोर आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये जो हमने पेज नंबर इंसर्ट किया है, इस पेज नंबर के इंसर्ट करने का मकसद ये हुआ था क्योंकि अब इस पेज नंबर को हमने एक तरह से हेडर के अंदर जो है वो शामिल कर दिया। अब जिस तरह हम हेडर जो है हमारा मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई होता रहता है, इसी तरह पेज नंबर भी अप्लाई होता रहेगा। एंड देन पेज नंबर जो है वो प्रीवियस स्लाइड से लिंक नहीं होगा, पेज नंबर जो है जिस तरह जो जो हम पेज नेक्स्ट लेते रहेंगे वो हमारा जो है पेज नंबर चेंज होता रहेगा, सही है, उसी तरह हमारा पेज नंबर चेंज हो जाएगा। अलबत्ता हेडर चाहें तो हम हेडर को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जनाब एक हमारे पास ऑप्शन और आता है, उस ऑप्शन का मकसद होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए आप चाहते हैं कि आप एक टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ कर लें। यानी एक तो है नॉर्मल कस्टम तरीके से लिखना, आप चाह रहे हैं कि आप खुद से टेक्स्ट बॉक्स के जरिए किसी चीज़ को लिखना चाहें, तो आपने क्या किया टेक्स्ट बॉक्स के जरिए लिख लिया। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैं दूसरी हमारी जो हेड एंड फुटर वाली स्लाइड थी उसके ऊपर आकर के समझाना शुरू कर देता हूँ। देखिए टेक्स्ट बॉक्स जो है हमने इंसर्ट टैब पे गए और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लिया। देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम चाहें तो इस टेक्स्ट बॉक्स में अपनी मर्जी का जो डेटा है, अपनी मर्जी का डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख दिया MBHL बस LEARNING लर्निंग एम्पायर MBS लर्निंग एम्पायर लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं इस बॉक्स के अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ, होम टैब पे गया फॉर्मेटिंग कर ली, इसका साइज़ बढ़ा दिया। देखिए साइज़ जो बढ़ता रहेगा वो टेक्स्ट बॉक्स के एतबार से इस तरह होता रहेगा, कलर चेंज कर लिया, और चाहे तो टेक्स्ट बॉक्स का जो है इसको हम ये इस किस्म की भी चीज़ें दे सकते हैं। यानी इसमें तो सारे ऑप्शन हमें पहले से पड़े हुए हैं। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स एक सूर्य होता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। यानी मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया यहाँ और मैं चाहूँ तो इसको पकड़ करके इसको ड्रैग कर सकता हूँ, और इसको मैं चाहूँ तो इसको इस तरह मैं इसका साइज़ को शॉर्ट एंड लॉन्ग भी कर सकता हूँ। खैर ये तो इतनी मुश्किल बात नहीं है जो हमको समझ में ना आए। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए काफ़ी हमारे जो है वो काम हो जाते हैं। तो जनाब टेक्स्ट बॉक्स का तो मामला हो गया, मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। अच्छा एक चीज़ हम टेक्स्ट बॉक्स में करना भूल गए कि टेक्स्ट बॉक्स लेकर के
मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है, हमें चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर जो है ना, ये बॉर्डर टेक्स्ट बॉक्स का, ये टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर है ये बॉर्डर खत्म हो जाए। तो बॉर्डर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, इसकी जो आउटलाइन है शेप फिल में गए, शेप फिल में जाकर के इसको नो फिल कर दिया। इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन हम जो है इसकी यहाँ से आउटलाइन आएगी, आउटलाइन जो है हमने इसकी जिस किस्म की आउटलाइन देना चाहे दे दें, नो आउटलाइन देना चाहिए नो आउटलाइन। अब ये ऐसा हो गया, हम चाहें तो इसको उठा करके इसकी जगह से मूव भी कर सकते हैं।